वालेकुम, हमारे खैर एफ एम 97 देख रहे हैं आप फेसबुक पे। मैं हूँ फसल सचौत, मॉर्निंग ट्यून बुध और जुमेरात 11 बजे तक आपका और मेरे साथ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। वहाँ गाना खत्म होने वाला है, एक घंटा पहले से मैं शो कर रही हूँ लेकिन मैं लाइव बाद में आती हूँ, क्योंकि वो अपडेट सारा जो वेदर अपडेट है, न्यूज अपडेट है, वो सब करने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आज की बात हो रही है जी, सारी दुनिया बड़ी परेशान है, व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज हो रही है, तो क्या इनसिक्योरिटी है आप जरूर मुझे बताइए। मैं पूछना चाह रही हूँ लोगों से कि आप लोग क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं, होया कि है? मतलब क्या गुम हो गया है, क्या खतरा है, कौन से तुसी स्मगलर हो, कोई दहशत गर्द है हम लोग, मतलब क्यों हम इनसिक्योर है, कौन सा डाटा जो है हमारा निकल जाएगा हमारे हाथ से, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी जो किसी को पता चल जाएगी, क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या ये परेशानी, सारे लोग क्यों परेशान है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। आगे हम वापस, अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हम वापस 0537601961। आप लाइव आ सकते हैं, बताइए कि व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज होने से क्या प्रॉब्लम है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्या चीजें हैं जो लोगों की, मतलब दूसरे लोगों को पता चल जाएंगी, सीन क्या है आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज जल्दी से बताइए। डेरा रड़ियाला, एक रे है एक अड़े पहाड़ वाली रे, आगे रड़ियाला। अच्छा, फराज अली है हमारे साथ, हाय फराज, फराज खुदी को हाय फराज, ये क्या करते हो गालिब, हाय करते हैं फराज। उधर से इकबाल, क्या बोलो अब, सेम टू यू कैसे कह दू, आहो अच्छा चले, आज की बात व्हाट्सएप के हवाले से, और अभी कॉलेज को भी इजाजत है जी, आज जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या इनसिक्योरिटी है, वैसे मुझे तो पता है, आप लोग भी बता दे तो अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ ना जरा दुख सुख फोल लें, बताइए मुझे जल्दी से। अच्छा, दो तरह के लोगों को मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, एक वो लोग के जो बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन है और उनकी मूवमेंट रहती है, यहाँ से वहाँ अब्रॉड जाते हैं, साथ शायद सेक्रेटरीज और इस किस्म के लोग व्हाट्सएप के जरिए सब कांटेक्ट में होते हैं, और फ्रेंड्स वगैरह मेल फीमेल सब जो गैदरिंग होती है वो, इस हवाले से शायद कोई लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है या फिर दहशतगर्दों को, क्योंकि व्हाट्सएप इसीलिए यूज़ किया जाता है कि ये सेफ होता है, मतलब जब से इंस्टॉल किया तो इसका यही एक सुनने में आया कि इसकी मैसेज सर्विस भी सेफ है, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलता दो लोग क्या बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या सीन है, क्या चीज जो है वो लीक आउट होने का खतरा है, क्या लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बाहर चल जाएगी, या जो कंपनीज हैं, जो सोशल साइट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, दहशतगर्दों के अलावा जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो भी, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है वैसे, बिकॉज उन्होंने अपनी लोकेशन नहीं बतानी होती, इसमें आर्म्ड फोर्सेस के लोग हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के जो आला अहदेदार हैं वो हो सकते हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको वाकई लोकेशन छुपाने की ज़रूरत होती है। तो आपको, मुझे, हमें क्या मसला है, मतलब मुझे ये बताएं ज़रा। कलीमा है, कह रहे हैं फ्रॉम खूबसूरत भिम्बर, चलो कलो गल, और आज़ाद कश्मीर से अस्सलामुअलैकुम, ठीक हो गया जी। चौधरी हैदर अब्बास ककराली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। अच्छा बताए ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कैटेगरीज लोगों की कि जिनको प्रॉब्लम हो सकता है, सानों की मसला, तोनों की मसला, बताएं वो कौन सी खुफिया बातें हैं जिनसे आप डरते हैं, मतलब क्या लीक आउट हो जाएगा, अम्मी अब्बू से छुपा के कुछ रखा हुआ है, बीवियों से छुपा के कुछ रखा हुआ है, बातचीत कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। अली जमान कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम न्यूज, अच्छा अपने ही चला लो इसमें एफएम। चौधरी आतिफ मुनीर सिंह अस्सलाम वालेकुम, तमाम लिसनर्स को सलाम, मैं पूछ रही हूँ कुछ सलाम दो के अलावा भी तो कुछ बताए ना, कॉलर आ जाए, आपको तो मैंने कर दिया था ऑन।
हुमायूं रजा फेसबुक पे बार्सिलोना स्पेन से बुल फाइटिंग देखी आपने स्पेन में? नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी से बताइए जी, व्हाट्सएप पॉलिसी के चेंज होने से हमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या मसला हो सकता है, आपको क्या मसला हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि किन लोगों के लिए वाकई अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है, लोकेशन शेयर होगी, ये सारी चीज़ें शेयर होंगी तो फिर मसला हो सकता है। तो उनमें तो हम कहीं पर भी नहीं आते, ना ऐसे बड़े लोग, ना हम कोई वीवीआईपी लोग, तो फिर हमें क्या मसला है बताएं ना। शाम गुलफाम शहजाद कह रहे हैं, अच्छा थैंक यू वेरी मच, तारीफें नहीं मैं पढ़ती होती। शामी शामी तो शामी कबाब, वो वाला शामी नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा कोई नहीं छुपाया किसी से कुछ भी, शेर बच्चे हैं आप शेर। अच्छा कह रहे हैं कोई मसले नहीं है जनाब, अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो कोई बात नहीं। मालिक अरसल नवी सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है कि कोई एवी शोर मचा हुआ है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज होने से लोग परेशान है, एक हाइप क्रिएट हो गई है। कलीम मह कह रहे हैं व्हाट्सएप पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्जा एहतशाम जराल, हाय आंटी हाउ आर यू, पुत्र ठीक हूँ बिल्कुल, कॉलर को साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हमजा बताइए क्या मसला है, व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज करता है अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है किसी से तो? पहले तो मुझे ये बताया कि पॉलिसी चेंज हो रही है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट भी कितने नंबर वगैरह शेयर हो गए, वो उनको शेयर करना पड़ेंगे। पहले तो ये मुझे आईपी शेयर करनी पड़ेगी। लोकेशन, आप मोबाइल या लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा मॉडल है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, आप प्रोफाइल, आपका स्टेटस, सारी चीजें शेयर की जाएंगी। टेंशन तो उनको होने के ना व्हाट्सएप यूज करना, किसी ने कभी सिम से बैलेंस नहीं कराया है ना? आपकी बिलिंग वाली सिम रखी है मैंने, बैलेंस तो दूर की बात अच्छा है, लो पोस्टपेड सिम है मेरे पास, दो चल रही है। अच्छा चलो ठीक हो गई। अच्छा जी लेकिन बाकी लोग तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्हें क्यों मसले हैं इतने? कुछ सीक्रेट चीजें उन्होंने रखी। अच्छा लोग कहते हैं कि ये तो खैर कॉलर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये इस्तेमाल ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग वाकई में परेशान हैं, और आपको पता है मिलियंस में इंस्टॉल कर ली गई है, सिग्नल को इंस्टॉल किया जा रहा है, पिप को जो टर्किश ने बनाई है बीआईपी उसको, और टेलीग्राम को, और अब जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि सिग्नल ज्यादा सेफ है या फिर टेलीग्राम। ठीक है, हम में से मेजोरिटी को पता ही नहीं होगा, मतलब हमारे पाकिस्तान लोगों को, की स्यापा पे है। तो असल में स्यापा उन लोगों को होना चाहिए जिनके लिए वाकई कोई इश्यूज है। हमारे क्या इश्यूज है आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक 8 फरवरी के, 8 फरवरी डेडलाइन है, 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप इस तरह से नहीं यूज कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि जब हम कोई इंस्टॉल करते हैं ऐप या हम कोई अकाउंट बनाते हैं किसी सोशल साइट पे, तो वो बड़ा इतना बारीक बारीक जो ढेर सारा लिखा होता है, नीचे लिखा होता है अग्री, मतलब हम अग्री करते जाते हैं और ग्रीन टिक लगता जाता है, पढ़ा तो हमने कभी भी नहीं होता। टर्म्स एंड कंडीशन को वो होती इतनी बारीक लिखी हुई, क्योंकि पढ़ भी ना सके, चालाकी की भी होती है उन्होंने ऑलरेडी, तो उसमें हम हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं विदाउट रीडिंग, पढ़े बगैर जो है हमने उसको मान लिया सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो हमारा तो डेटा शायद ऑलरेडी जो है वो शेयर हुआ हुआ होता है, तो फिर हम क्यों परेशान है। अच्छा अब व्हाट्सएप क्या कह रहे हैं जी, 8 फरवरी के बाद जो व्हाट्सएप चलेगा वो उन लोगों का चलेगा जो कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये मैं ऑन एयर जाके बताऊंगी, ताकि सुनने वालों को अलग से ना बताना पड़े, काम चोरू जरा, मैं अलग अलग दो दो जगह पे क्या बताऊं। अच्छा कौन कौन है हमारे साथ, आप सबको बाद में शामिल करती हूँ। ठीक हो गया, बीआईपी इंस्टॉल कर लें, ठीक हो गया। आपने अपने टर्किश भाइयों की है तो सपोर्ट करनी चाहिए उनको भी। चले हम उधर से भी जाने लगे हैं, उधर भी चलने लगे हैं, कॉलेज को भी साथ लेते हैं। मैं ना इसीलिए आप तक आने से पहले अपना काम खत्म कर लेती हूँ, न्यूज वेदर हॉरोस्कोप हर चीज जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ एक पहले घंटे में, और नेक्स्ट घंटा आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने तो खाली सलाम दुआ करना होता है, तो खाली सलाम और सलामियाँ लेने बैठ जाती हूँ फिर मैं यहाँ पे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग सारे सोए लोग जो अभी अभी जागे,
आपको बताऊं व्हाट्सएप के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज होने से मसला क्या है, क्या परेशानियां हो गई हैं। अच्छा मैं बता दूं जी, 8 फरवरी डेडलाइन है व्हाट्सएप की जानिब से, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया तो आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट रिमूव कर दिया जाएगा। साढ़े का ना बैंक अकाउंट है जो हमें टेंशन हो। अब्दुल रहीम कह रहे हैं मॉर्निंग ऑल पाकिस्तान एंड आजाद कश्मीर। शाहजेब राजा सिंह खुश आमदीद। शकील खान सिंह चलो जी सारे लोग VIP इंस्टॉल कर लो, नहीं व्हाट्सएप पसंद किसी को। हाँ अब पसंद की तो बात ही नहीं रही, खैर अब तो उन्होंने खुद ऑप्शन दे दिया आपको, एडे तो सी ऑप्शन लेने वाले उन्होंने खुद कहा छुट्टी करो। अच्छा जी शाहजेब राजा थैंक यू। अगर आपने 8 फरवरी तक टर्म्स एंड कंडीशन मान ली तो आप कंटिन्यू करेंगे व्हाट्सएप पे, अदरवाइज आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हम वीडियोस शेयर करते हैं, ग्रुप्स बना के ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, आपको पता है ना ब्रॉडकास्टिंग का भी, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो अब अगर ये सब नहीं होगा तो बाकी एप्स भी मौजूद है, तो लेकिन मसला ये है कि हमें व्हाट्सएप की पॉलिसीज कौन सी हैं जो कि अब हमें ऑब्जेक्शन है, हमने नहीं मानी। तो जी 8 फरवरी तक की डेडलाइन की जो पॉलिसी है उसके बाद क्या चाहिए, व्हाट्सएप आपसे आपकी डिटेल लेगा, आपका नाम पता, आपकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होगी, मोबाइल नंबर के साथ साथ आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपका फोन कौन सा है, फोन का मॉडल क्या है, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप का मॉडल क्या है, IP क्या है, और ऐसी बहुत सी चीजें जो है। अब इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि जब आपने IP दे दी, फोन नंबर दे दिया, तस्वीर दे दी, तो लोकेशन फाइंड आउट करना बड़ी आसान हो जाएगी, कौन सा बंदा किधर है ये भी आराम से पता चला जा सकेगा। इसके अलावा फेसबुक को या दूसरी एप्स को शेयर, दूसरी साइट्स को अगर शेयर किया जाएगा डाटा तो लोगों को लगता है कि हम जो है इनसिक्योर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑलरेडी हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर्ड होती है। कौन है जी आसिम हनीफ, सलाम गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। इमरान सिद्दीकी थैंक यू वेरी मच, बहुत खूब कह रहे। तो मैं कह रही थी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। आप ना आसपास इंटरनेट के कोई बात करें, कोई चीज खरीदनी है, कोई कहीं पे जाना है, तो कोई चीज स्पेशली अगर आपने खरीदनी है, एक्सपेरिमेंट आप ही करके देख लें, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। तो जो आपने बात कही होगी, जो चीज खरीदनी होगी ना, उससे रिलेटेड आपको इतने ज्यादा इश्तेहारात नजर आने शुरू हो जाएंगे आपकी सोशल साइट्स पे। इट मीन्स के सेंसर थे जिन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें जो है वो उनके इश्तेहारात आपके सामने आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऑलरेडी अंडर ऑब्जर्वेशन थे। इतने सालों में अगर हमें ये नहीं पता चला तो सानू पता किए फिर। हाँ थोड़ा सा ये खतरा हो सकता है उन लोगों के लिए कि जिनकी नकलो हरकत, जैसे आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, मतलब ऐसे VVIP लोग, साइंटिस्ट वगैरह, कि जिनकी लोकेशन नहीं पता चलनी चाहिए, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर होती है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप एक अरसे से इकट्ठे हैं। अच्छा एक और चीज व्हाट्सएप ने चेंज कर दी, साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलो, बिकॉज बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो फेसबुक, आपको व्हाट्सएप का एक मोटो था, स्लोगन था, जब हमने इंस्टॉल किया सालों पहले, उसमें लिखा होता था कि हमारे DNA में, व्हाट्सएप की ये लाइन थी कि हमारे, आपकी प्राइवेसी का एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट हमारे DNA में है। अब जाके पढ़े उसको, वहां पे ये लाइंस नहीं है, यानी अब वो आपकी प्राइवेसी का एहतराम नहीं करते हैं, अब उनके DNA बदल गए। वैसे DNA बदलता तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप का बदल गया। मोहम्मद यासीन हमारे साथ, मे यू लिव लॉन्ग, थैंक यू यासीन। YouTube सेम टू यू, आ जाए कॉलर, आप भी आ जाए, आप क्यों शर्मा रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, आपको अगर ये एक्सेप्टेबल लगती है तो आप व्हाट्सएप अकाउंट को जो है कंटिन्यू रखें, अदरवाइज जल्दी जल्दी एप्स जो है दूसरी वो इंस्टॉल करना शुरू कर दें, लेकिन देखभाल के। अब अफरा तफरी में वो वाली इंस्टॉल मत कर लें कि जिनका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो एक बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान जो गुफ्तगु है, जो बातचीत है, वो कौन सी ऐप में सेफ है ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। टेलीग्राम, सिग्नल और VIP, तीन ऐप्स इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इंस्टॉल की जा रही है। VIP हमारे टर्किश भाइयों की है, तुर्की ने बनवाई है। जैसे ही व्हाट्सएप ने पॉलिसी अनाउंस की थी, तैयब उर्दगान ने और उनकी उनके ऑफिस ने, उनके लोगों ने ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करना खत्म कर दिया था, बल्कि अकाउंट्स रिमूव कर दिए थे। फिर उन्होंने अपनी बना ली,
ऑल्दो कि नीदरलैंड में बनी है ये, लेकिन ये टर्किश लोग थे जो नीदरलैंड में रहते थे और तैयब अर्दोगन ने उनसे बनवाई है, तो मेरे ख्याल में ये ट्रस्ट किया जा सकता है इस पर। मुझे लग रहा है मैं काफी देर से बोल रही हूँ, किसी नहीं बोल रहे, सारे लोग ही बोले ना। इतनी में आपकी उर्दू एक ही टीचर सर, कुछ मैं नहीं बताना, कॉलर से पूछ लेते क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर चूचू, लव यू। मिस कॉल थी, पता नहीं किसने बता दी कि मिस कॉल पे रिंग बैक करूंगी। मैं कभी भी नहीं करूंगी। 0537601961 मेरा आपका रब्ते का नंबर, जरूर डायल कीजिए, मिस कॉल मत कीजिए। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं बहुत कुछ कह रही थी, अब आप लोग बताएं। मैंने इतना कुछ बता दिया व्हाट्सएप के हवाले से और इतनी दफा बता दी कि मुझे लगता है फजूल ही है, सबको पता होगा। बहरहाल बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको नहीं पता होता ना। तस्वीर निगार, ओह कल भी आपसे हुई थी ना मुलाकात, हेलो गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा हैप्पी रहिए इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह तआला आपको भी खुश रखे। इटालियन वही थी ना आप, आहो आहो फीमेल। अच्छा मैं क्या, नहीं अब मैंने नहीं कहना कि मैं क्या कह रही थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ कह चुकी, आप मुझे बताइए वरना मैं आपको गाना सुनवाने लगी हूँ। कॉलर आ जाए, कॉलर असल में कॉल मिला रहे थे, उनकी अम्मी आ गई ऊपर से, सुनिया साथ ही है भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हबीबी हया हया के, मुझे तो पता ही नहीं चला कॉल आप करती रही और मैंने नहीं रिसीव की। अच्छा अब ना, अब जब आप कॉल मिलाए ना तो सात आवाज लगाए करें, मैं कॉल कर रही हूँ हबीबा, तो मैं फौरन से रिसीव कर लूंगी, ठीक है? बस पक्की बात हो गई। नहीं गर्म अंडों की सत्ती सवेरे क्या जरूरत है, शाम में नहीं खाने थे, सुबह खाती हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी हम क्या, हम क्योंकि आप कॉलर ने बता दिया, हबीबा बिल्कुल फोन इस्तेमाल नहीं करती, स्ट्रेंज है ना। असद असलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रशीद थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ, राय इमरान अमेजिंग लोग हैं वाकई में। सईदा बिनते जाहरा, आज सुना कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वालों के लिए न्यू पॉलिसी है बाकियों के लिए। अच्छा इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बिनते जाहरा, मैं आपको बताऊँ कि खैर से ये यूरोप के लिए नहीं है और बरतानिया के लिए नहीं है, मतलब ऐसे लोग कि जो उनके अपने सगे ना मामे चाचे फूफे के पुत्र, उनके लिए पॉलिसीज नहीं, ये हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड है उनके लिए, हम तीसरी दुनिया की मखलूक हैं, गरीब गुरबा जिन्हें वो कहते हैं अपनी तरफ से ना, तो मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? और हमारी अच्छा व्हाट्सएप के सर मेरा बार बार जो है वो ये एक्सप्लेन करें कि जी हम आपकी जो पहले गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के आपके जाती मैसेजेस होते थे ना, वो हम अभी भी नहीं शेयर करेंगे, वो आपको बार बार तसली दे रहे हैं इस बारे में। लोग असल में पाकिस्तानी तो इसी बात से डर रहे हैं, जो बड़े बड़े शरीफ नकाब शराफत के नकाब उड़े लोग थे ना, असल में तोते उनके उड़े हैं मुझे लगता है। ओए होए होए कायनात असगर लंबा सा मैसेज है, द मोमेंट यू डिसाइड टू कम ऑन सोशल प्लेटफॉर्म वी मस्ट कीप दिस। अच्छा ठीक हो गया, मैं जरा इनको बता देती हूँ आराम से, ठीक हो गया ये मैं ना बाद में शेयर करती हूँ, ये ना समझना कि ट्रांसलेशन करा दूंगी मैं ना, जल्दी से बताना चाह रही हूँ लोगों को, समराइज करके ब्रीफली बताऊंगी ना। तो प्रॉब्लम उन लोगों को शायद लग रहा है कि जो लोग फेक आईडी जैसे हम लोग बनाते हैं ज्यादा, तो व्हाट्सएप पे ये नहीं चल सकता, फेक जो दूसरों को धोखा देने के लिए, टाइम पास करने के लिए, हमारे ना प्यार मोहब्बत इश्क इस किस्म के मामला भी आलतू फालतू के, और ये सारी जो है ना हयात और वाहियात सारी चीजें जो है वो भी व्हाट्सएप पे चल रही होती है, तो शायद उन लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप बार बार आपको तसल्ली दे रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो ये सिलसिला ना आपके गुड मॉर्निंग जानू से लेकर गुड नाइट सो जाए आपकी सांसें गिनते, कॉल ना काटेगा आपकी सांसें गिनने, इस किस्म के मैसेजेस वाला सिलसिला ये चलता रहेगा, और कॉल या मैसेजेस ऑडियो जो है वो भी नहीं कोई पढ़ सकेगा ना ही कोई जान सकेगा, ठीक है? तो व्हाट्सएप ने आपको ये तसल्ली दी है, लेकिन बहरहाल सोचना आपको खुद है कि आपको इस पर एतबार करना है या नहीं करना। एतबार नहीं करना, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ऐसा भी था कुछ, ऐसा ही था कुछ, और बस इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। व्हाट्सएप ऐसे लग रहा है कि मैं कोई फप्पे कुटनी हूँ और बस व्हाट्सएप जो है वो मेरा कोई रिश्तेदार है जिसके बारे में मैं इतना बोले जा रही हूँ, अब मैं खुद ही शर्मिंदा होने की कोशिश करती हूँ। अच्छा
कि भाई ज्यादा मैंने बोल दिया व्हाट्सएप के बारे में. कमर समान बट सेइंग नाइस नाइस टू यू. नाइस कॉमी कमेंट हमारे असद असलम. वो इतना फ्री, हाँ कहते हैं वो इतने फ्री नहीं बैठे होते कि हमारे मैसेजेस भी शेयर करेंगे. यही तो मैं कह रही हूँ. और वो बेचारा व्हाट्सएप का जो सरबरा बार बार आके हट जो है वो बता रहा है कि भाई ऐसी कोई नहीं होने वाली. और असद असलम कह रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनके पास होती है, जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ओपन करते हैं, अलाउ तब करते हैं. इसके अलावा हमारे कैमराज गैलरी फोन के अंदर तक ही एक्सेस ली जाती है ना, हम कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हो मोस्टली, तो फिर पता नहीं. अच्छा हाँ, बस इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं सब, मुझे खुद नहीं पता. असद असदी बताना ना भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं सारे. अच्छा रिश्वत वगैरह और ये सारी डीलिंग भी तो व्हाट्सएप के जरिए होती है ना, तो मतलब खटकने को बहुत सी चीजें जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे होते हैं. थैंक यू कमर जमान. मैंने ब्रेक पे जाना है. चलें जी सारे लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम ब्रेक की तरफ जाने वाले. ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कौन है हमारे साथ और क्या कहने वाला है. अब जो भी कॉलर कहेगा ना बस वही बात होगी सारी. पश्तो गाना नहीं लगाना आज, पश्तो गाना लगाती हूँ. कौन से वाला लगाऊं भला, ये लगा देती हूँ. चल अच्छा व्हाट्सएप के बारे में बहुत हो गया, अभी कोई और बात कर लेते हैं. कौन सी बात करें, जो आप कहेंगे कुछ तो कहो, कुछ ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है. और ये भी गाना था वैसे, सारे गाने मुझे आते हैं ऐसे जरा से आते हैं, बस थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं आते, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. झूठ बोल रही हूँ, सारे मैंने सुने. हम चले कोई और बात कर लेते हैं ना. आपको पता आज अरफा करीम का आज उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है. 9 साल हो गए उस बच्ची को, उस बच्ची की डेथ को. और पाकिस्तान का फख्र, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को जो है वो सब्र दे और मजीद पाकिस्तानी बच्चों को जो है वो इसी तरह से ब्रिलियंट बनाए, पूरी दुनिया के सामने आए वो और अपना नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें. मुल्क का नाम रोशन करने वाले काम हम नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं. हम चोरियाँ डिजिटल चोर बन चुके हैं या डिजिटल फकीर बने हुए हैं. देना प्लीज़ हमें लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना. डिजिटल भीख से मुझे याद आया, आज जुमेरात बहुत से लोग है ना मांगने जा रहे हैं. अरे प्रोफेशनल लोग हैं, मैंने खुद देखा, रेडियो देख रहे होते हैं, सोशल साइट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर देखे हैं मैंने. इसका मतलब है कि हमारे शो सुनने वालों में फकीर भी शामिल होते हैं. और आज लोग मांगेंगे अल्लाह के नाम पे और कल अल्लाह के घर जाके जूतियां चोरी करेंगे. 2 दिन बहुत बिजी जाने वाले हैं भाई, जुमेरात और जुम्मा हमारे मुसलमानों के. तोपा मजाक भी मैं उड़ा रही, लेकिन एक रियालिटी, इससे आप आंखें नहीं चुरा सकते. हम सब चोर हैं और हम सब भीख मंगे भी हो गए, ऐसे ही ना. आगे में ना नहीं, अभी नहीं आया, अभी चलेंगे वहां पे कॉलर के साथ लेंगे. तो मतलब आज जुमेरात है, जुमेरात में बहुत से लोगों के घर खत्म भी होते हैं, चावल हलवे ऐसी चीजें भी बहुत होती हैं, है ना. जुमेरात बहुत एक बिजी सा डे है वैसे. और जुम्मा वो भी, क्योंकि जुम्मे की नमाज के हवाले से भी, फिर जिन लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद जूतियां चोरी करनी होती हैं, चोरी करने के बाद वो बेचनी भी होती होंगी कहीं, तो एक लंबा सिलसिला, 2 दिन की मसरूफियत का जरा लंबा सा सीन है. इंजॉय करते होंगे बहुत से लोग जो ये काम करते हैं, हम तो नहीं करते, बुरी बात लगती है. आप चोरी करते हो मस्जिद के बाहर से कभी जूतियां, बाहर से मतलब के अंदर से हैं, आप में से हैं लोग. तोबा 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 तोबा, चोरी नहीं करनी चाहिए. कोई चीज़ पसंद है तो वैसे उठा लेनी चाहिए, बाद में बता देना चाहिए कि मैंने आपकी चीज़ उठाई थी. उस वक्त शायद वो अगला दे ही ना, ना बाद में बता देगा ना, मैं फिर चोरी, मेरा नहीं ख्याल कि फिर चोरी रही. मैंने मशवरों पे अमल करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐं ही बोल रही हूँ. अच्छा जी आने लगा है हमारा बीजेम. अरे ऐसे लगा बिल्ली बोल रही, बिल्ली नहीं बोल रही लेकिन चले. व्हाट्सएप के हवाले से परेशानी लोगों की आज हम पूछना चाह रहे थे. और कॉलर्स हमारे वो हैं कि जिनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया देखे, टीवी देखे, ये सारे सिलसिले ऐसे हैं कि लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में है ही कोई नहीं. ना गुर्बत, ना महंगाई,
न मौसम की सख्ती, कुछ भी नहीं। ऐसे लग रहा है कि बस सारी दुनिया का दिमाग जो है वो रुक गया है यहाँ पे, कि बस व्हाट्सएप बंद हो गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या होगा मुझे यही तो पूछना है, मुझे बताइए ना प्लीज क्या होगा। वेलकम बैक, आ गए हम वापस। काशिफ अब्बासी सिंह, अस्सलाम वालेकुम। सऊदीया वाले पैन इकबाल, सऊदीया वाले पैन इकबाल नहीं, काशिफ है ये। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ आप कैसे हैं? मुझे आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम है गुलाब, को जिस नाम से पुकारो वो गुलाब ही होता है। मासी गुलाबो नहीं, वैसे मेरा नाम फौजिया सज्जाद है। अच्छा जी, असद असलम कह रहे मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए। अगर किसी को भी मेरा नाम नहीं पता है, असद कह रहे तौबा तौबा, हम शरीफ लोग हैं, ऐसे काम नहीं करते। तो आप नहीं करते तो हम में से बहुत से लोग चोर हैं, जो मैं पढ़ने इसलिए जाते हैं कि उन्होंने जुम्मे के बाद जो है वो जूते चोरी करने होते हैं। और बहुत से लोग बड़े तैयार श्यार हो गए। हाँ देखे ना, काशिफ कह रहे मेरी एक बार बिल्कुल नई जूती जो है वो चोरी हो गई थी। अक्सर नहीं होती है ना जुम्मे के बाद, ईद के बाद, तो लोग खास तौर पर इतने महंगे कपड़े और घड़ियां शड़ियां बांध के जब जाते हैं ईद पढ़ने, तो जूते बड़े पुराने से पहन के जाते हैं ताकि चोरों को जो है वो ईद मनाने का मौका ना मिल सके। इसी तरह जुम्मा जो है वो मनाया जाता था बड़े हल्ले गुल्ले के साथ, बड़े दिल के साथ, लेकिन वहां पे भी अभी ये सिचुएशन है कि जुम्मा पढ़ते हुए जाते हैं अच्छा सा तैयार होकर, लेकिन जूते पुराने से पहन के जाते हैं। मजबूरियां, चोरी करने वाले की भी मजबूरियां, और जिस गरीब की चोरी हो गई उसकी अपनी मजबूरियां। असद कह रहे कुछ भी नहीं होगा, व्हाट्सएप की पॉलिसी की वजह से एक वीक लोग परेशान रहेंगे, फिर सब इंस्टॉल कर लेंगे दूसरी ऐप को या व्हाट्सएप ही को। अच्छा व्हाट्सएप को कह रहे हैं, और आप टेंशन ना लें जी। मैं नहीं लेती टेंशन, मैं जरा टेंशन फ्री बन रहा हूँ। मुझे लोगों की टेंशन से टेंशन हो रही थी, आखिर इन्हें क्या मसला हो गया, वजह क्या है जी इस परेशानी की, मतलब क्यों? पश्तो गाना मैंने शामिल कर दिया, आप लोगों से मैंने बायशा करना, और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी मतलब अपना अपनी इंफॉर्मेशन देनी हुई, अपने वालों आपने जो बहुत छुपाई हुई है तो आपकी मर्जी। और अगर मशवरा जो ओवरऑल दुनिया दे रही है वो यही है कि व्हाट्सएप छोड़ के दूसरी कोई ऐप इंस्टॉल कर ली जाए, कोशिश कीजिएगा। फेसबुक वालों को बोल रही हूँ, आप लोग जो है वो पश्तो गाना सुने, क्योंकि आज मैंने अभी तक पश्तो गाना नहीं लगाया था। लंडे वालों का भी मुझे बहुत ख्याल रहता है, सबका ख्याल रखती हूँ मैं। ए लोगों, मैं जो सबका दिल रखती हूँ, सोचो मैं भी दिल रखती हूँ, आप लोग भी मेरा दिल रखा करें ना। चले खैर, आप इंजॉय करें, और इधर से मैंने बादशाह करना है। तो मैं आपको कह रही थी कि आपकी मर्जी है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है, लेकिन होना ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वो जो सारे अरसे के बाद जब हम नई ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो बाद में पता चलेगा कि शायद ऐसा कुछ था कि हमने जो नई ऐप्स इंस्टॉल की उन्होंने भी हमें बेच दिया। आपको पता है अमेरिकन नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको फेसबुक समेत कोई भी सोशल साइट मना नहीं करती है, वो जिस मतलब अंदर साइट के घुसना चाहें उनके सारे डाटा में वो घुस सकते हैं। ठीक है, यही वो जो था एक बंदा जो सारा डाटा लेकर भागा था चोरी, वो रशिया में रहता अमेरिकन जो था, और अमेरिका में उसके खिलाफ इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो रशिया में सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। उसी ने बात बताई, उसी ने लीक आउट किया, क्या नाम था उसका, स्टूडेंट मेरे ख्याल में उसका नाम था, उसी ने लीक आउट किया कि अमेरिकन नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हर साइट के अंदर से हर चीज लोगों की जो है वो निकाल लेती होती हैं, सारा डाटा जो है वो चोरी शुदा है, मतलब उनकी नॉलेज में हर चीज, और लोग अभी जो है अपनी तरह से सिक्योर होकर बैठे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उसके बाद किसी ऐप की किसी भी पॉलिसी पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो चुका है वाकई में। लेकिन ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि अब दुनिया है या रहना तो है, कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल करना ही है, तो करके देख ले फिर अब। लेकिन तजर्बा जो करना है वो अपनी मर्जी से सोच समझ के कीजिएगा, सुने सुनाए पे बिल्कुल मत कीजिएगा, देखा देखी भी मत कीजिएगा। वैसे हम ना तो दहशतगर्द हैं, ना हम स्मगलर हैं, ना हमारे जानू मानू वाला कोई सीन है, तो फिर हम कोई भी ऐप जो है यूज़ करेंगे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाम पता ही है ना, तो पता कर लें, खैर फिर क्या जाएगा हमारा, हो सकता है वो हमें एलियंस बना के, मच्छर बना के, मक्खी बना के दीवार के साथ चिपका दें,
हैं, ऐसी भी दिमाग कुछ लोगों के हैं जिनकी सोच ऐसे, जैसे कोरोना की वैक्सीन में जो चिप लगेगी उससे वो हमें कंट्रोल करेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी तो कहते हैं ना, तो उसी स्कूल ऑफ थॉट से शायद ये चीज़ भी कनेक्टेड कर दी जाएगी कुछ दिनों में, कि जो वैक्सीन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी शायद वो अब व्हाट्सएप के डाटा के जरिए की जाएगी। बहुत बड़े बड़े साइंसी दिमाग हमारे यहाँ मौजूद है जो कहीं का कनेक्शन कहीं मिला देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, आप देखते रहिएगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।